जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम नवरात्रि में जय की खेतरी किस तरीके से करें कि हमारी जय काफ़ी हरे भरे होंगे। तो हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम जय की खेतरी करते हैं तो हमारी जय काफ़ी हरी भरी उगती है। और बहुत सारे लोग इसको ज्वार भी बोलते हैं और जय भी बोलते हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं मिट्टी को छान रही हूँ और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विशेष तरीके की मिट्टी लेंगे, आप नॉर्मल भी मिट्टी ले लीजिए, बस मिट्टी साफ़ सुथरी रहे और उसको आप अच्छे से छान लीजिए। गेहूँ जिससे आप छानते हैं ना, आप उससे छान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें ना ध्यान रखिएगा कि कोई कंकर मिट्टी ना रहे, अगर कंकर मिट्टी रहेगा ना तो फिर जय की खेतरी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मिट्टी पे विशेष ध्यान रखना होगा कि मिट्टी हमारा बिल्कुल बारीकी होना चाहिए। वैसे तो जिनके मतलब घर के समीप अगर गंगा नदी होता है तो जो गंगा नदी के किनारे रेत वाली बालू होती है ना, तो उससे जय की खेतरी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन सभी जगह ये तो मिल नहीं पाएंगे, इसीलिए उतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल मिट्टी से ही जय की खेतरी बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। तो देखिए मिट्टी हमारी कितनी अच्छी छन गई है ना, और जो इसके बालू कंकर पत्थर थे उसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पर मैं मुट्ठी भर जौ ले ली हूँ और इसको मैं 5-6 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी और ये काफ़ी अच्छे से फूल भी चुका है। तो इसके पानी को हम अलग कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे। चलिए हम जई बोने की शुरू करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे हम एक मिट्टी का कुंडा लिए हैं, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग यही इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो भी बर्तन लें तो कोशिश करें कि आप उसे अच्छे से डेकोरेट कर लें, क्योंकि माता रानी का दरबार सजाना है तो फिर सजावट तो बनती ही है ना, वरना बहुत फीकी लगेगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं स्वास्तिक बनाई हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ। तो आप इस मतलब मुझे जैसा आ रहा है मैं वैसा बना रही हूँ, लेकिन आप इससे भी अच्छा बना सकते हैं, इससे भी अच्छा सजा सकते हैं। आपको जिस तरीके से भी सजाना है, जितना भी ज़्यादा अच्छा से अच्छा बनाना है आप यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन आप रोरी और कुमकुम से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे भी सिंपल और सादगी माता रानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैं रोरी से मैं चारों तरफ बिंदी लगा दी हूँ और अच्छी लग रही है, इतना भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद इसमें अब मैं मिट्टी डालूँगी, तो मिट्टी यहाँ पे छान के मैं रखी हूँ ना, तो इसको मैं रखूँगी यहाँ पे। और मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा पूरा ऊपर तक नहीं रखना है, क्योंकि जब जय निकलेंगे ना तो फिर मिट्टी भी बाहर आने लगेगी और आप जल भी नहीं दे पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि मिट्टी थोड़ा सा कम ही लीजिएगा, नहीं तो फिर आप ही को बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद जो मेरा जय था वो हम पूरा अच्छे तरीके से छिड़क देंगे, और जब हमारा पूरा जय छिड़क जाएगा तो हम ऊपर से फिर से हम मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी को हम इस तरीके से डालेंगे कि हमारा जय बहुत ही अच्छे से ढक जाए। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़क दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, क्योंकि इसमें पानी निकलने का कोई सिस्टम तो होता नहीं है, तो सारा पानी इसके अंदर जम जाएगा और आपकी जो जय है वो सड़ जाएंगे और खेतरी जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो इसके बाद आप श्रद्धा के साथ माता रानी के दरबार में इसे रख दें और इसमें
कलश स्थापना करें। तो श्रद्धा से जो भी काम किया जाएगा वो हमेशा सफल होता है और आपके जो जई हैं, जई की खेतरी हैं, वो बहुत ही अच्छे होंगे। और यहाँ पर एक मैं आपको विशेष बात बताती हूँ कि जब आप जई बोते हैं तो उसके 48 घंटे में अगर आपकी जई फूटती है, अंकुरित दिखती है, तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आगमन ले चुकी हैं और आपकी पूजा सफल हुई। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। माता आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे, आप सभी लोग स्वस्थ हो, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और आपके परिवार सुखी रहे, इसी आशा के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं।